मिली, सीखना मिली, रोने लगी। फिर मम्मू बोला आ गया, रोशन लग रहा छुपे छुपे लड्डू खा ले। और नानी से बातें कर रही हो? खूब बातें कर रही होगी मम्मी। मम्मी को सारी राम कथा बता दी अपने घर की। चाय जज्जू पीने जा रही हो? चाय जो है मम्मी ने बना ली है, अन्नू पी रही है चाय और दूध। चाय जज्जू पियोगी? चीनी जज्जू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पहली सुबह मायके में, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। जो सुकून मिलता है ना, वो मिल रहा है मुझे सच में। तो मैं उठ चुकी हूँ, आज उठी हूँ 7 बजे, वहाँ उठती थी 5 बजे। 2 घंटे का अंतर है मायके और ससुराल के उठने में। पे ऐसा कोहरा कट रहा है। ये वाली बिल्डिंग ना मेरे सामने ना, इसके सिर्फ 2 फ्लोर बने थे, अभी ये देखो 2 फ्लोर और बन गए। और ये देखिए मनी प्लांट है, ये कौन सा पौधा है मुझे खुद भी नहीं पता, ये तुलसी है। सर्दियों में ना तुलसी थोड़ी सी मुरझा जाती है क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है ना, इसलिए। तो बस मम्मी बनाने के लिए जा रही है कढ़ी। तो सबसे पहले बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि मतलब पकौड़ी तो नहीं बनती है इतने, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत तो फेंटना ही पड़ता है ना, बेसक पकौड़ी ना बने। और ये हैं दाणे जिनकी कढ़ी बनने के लिए जा रही है। ये बेसन से ही बनी होती है, इनको तला जाता है, पहले पकाया जाता है कढ़ाई में। मुझे इनफैक्ट नहीं पता है कि मतलब थोड़ा बहुत जितना पता है ना उतना बता रही हूँ मैं आपको। तो इसकी कढ़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस सबसे पहले ना मसाला भूंज रही है मम्मी, नमक और सॉरी नमक नहीं, हल्दी और मिर्च। नमक बाद में डालेंगी, पहले भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मसाले के साथ में। उसके बाद जो हमने बेसन घोला है उसको डालेंगे और चलाते जाएंगे, इसको चलाते जाएंगे। देन इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे छाछ। तो बस पानी और छाछ हमने सब कुछ ऐड कर दिया है, कुछ भी नहीं है, बस इसको चलाते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि अगर चलाओगे नहीं ना तो कढ़ी जो है वो फट जाती है। तो ये देखिए कढ़ी जो है खोल गई है, कलर ना एकदम इसका चेंज हो जाता है। कढ़ी खोलने के बाद इसमें हम लोग दाणे डालेंगे हमारी, और बस 1 या 2 मिनट तक और इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ना आज पूरा खाना मम्मी ने बनाया है, कढ़ी तो जाहिर सी बात है मम्मी बनाएंगी, और उसके साथ मम्मी ने रोटियां भी बना दी है और चावल भी बन गया। और ये देखिए पूरी किचन भी साफ हो गई है, और हमारी जो आन्या है वो एकदम खेल रही है, देखो कितने सारे खिलौने हैं उनके पास यहाँ पे भी। सो गाइस, अभी खाने के लिए जा रही हूँ मैं कढ़ी चावल, गरम गरम कढ़ी चावल। कढ़ी ना मेरा वैसे भी बहुत दिन से मन था, और यहाँ आके मेरा मन पूरा भी हो गया। कढ़ी कढ़ी खाती हूँ गरम, क्योंकि ना कढ़ी खाओ ना गरम तो जुखाम में बहुत आराम मिलता है। ये नहीं देखो जरा, ये तो इतनी खुश है ना, जब से आई है तब से सिर्फ खेल रही है। नानी ये चीज दे दो, क्योंकि इसके लिए सब कुछ नया नया है ना, तो कोई चीज खाली डिब्बी भी है ना तो वो भी इसके लिए खिलौना बन गई है। तो सारे काम से जो है वो फ्री हो गए हैं। यहाँ ना ज़्यादा काम तो होता नहीं है बहुत, क्योंकि 2-3, 4-5 लोग हैं, तो 4-5 लोगों में तो काम कम ही होता है। तो बस नहा के आ गई हूँ, सबसे पहले ना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं अपने फेस पे, क्योंकि ना मेरी स्किन एकदम सुपर सुपर ड्राई है। कॉम्बिनेशन कह लो आप, गर्मियों में तो ऑयली होती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ना मुझे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, और आन्या जो है वो देख रही है मम्मी के फ़ोन में कार्टून। गाइस मेरे पैर की जो उंगलियां है ना वो इतनी ज़्यादा उनमें स्वेलिंग हो गई है कि मुझसे ना बिछिया तक नहीं पहना जा रहा है, बिछिया अच्छे से पहन ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो मैंने इसीलिए ना एक एक बिछिया जो है वो बढ़ा दिया था। तो अभी मुझे नेल पेंट रिमूव करनी थी, दो मतलब 5 से 6 लेयर हो चुकी हैं रेड नेल पेंट की। तो अभी मैं बोर हो गई उस वाले कलर से, तो सोच रही उस कलर को हटा देती हूँ। और ये देख सकते हो आप, मतलब पूरी कॉटन ना रेड 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 कितनी सारी कॉटन पड़ी है, मतलब ना वो जल्दी हट ही नहीं रही है। मतलब एक जो नेल है ना वो एक कॉटन से
तो हट ही नहीं रहा था, तो बहुत देर लग गई मुझे नेल पेंट रिमूव करने में, क्योंकि ना लेयर बहुत सारी थी। तो अब ना दूसरा कलर मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगी, क्योंकि मेरा क्या रहता है जिस दिन मैं रिमूव करती हूँ ना उस दिन सेम डे में तो मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा उनको क्लीन करूंगी। अब जब मैं कल नहाऊंगी, आज तो मैंने नहा ही लिया है, नहाने से पहले कर लेती ना अगर क्लीन नेल्स वगैरह रिमूव कर देती तो सही रहता। बाकी मैं कल ही लगा लूंगी, पैर वैर कौन देख रहा है, वैसे भी हम लोग सर्दियों में ना सॉक्स पहन के ही रहते हैं। अभी मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने के लिए। इस टाइम पे ना मैं सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पी रही हूँ। मेरे गले की ना की हालत इतनी ख़राब है ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, नाक एकदम मेरी ब्लॉक हो जाती है। सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। और ये मम्मी ने सब्जी रखी थी सुबह सुखाने के लिए, तो वही नहा के आने के बाद मैंने इसको उठा लिया है। मम्मी ना सब्जी को सुखा देती हैं धुलने के बाद, तब फ्रिज में लगाती हैं। तो बस मम्मी भी नहा चुकी हैं, उनकी पूजा हो गई है। मम्मी नहाने के बाद चाय पीती हैं सर्दियों में, तो वही चाय रख देती हूँ मैं बनने के लिए। जब तक मम्मी पूजा वगैरह करके फ्री होंगी तब तक मैं चाय बना लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बनाई है, भाई के लिए भी बनाई है, क्योंकि ना उसका भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एकदम सुकून सा मिलता है वैसे चाय से। बस चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, और ये वाला जो कप है ना छोटे भाई का है, लेकिन जब मैं आ जाती हूँ ना तो मेरा इस पे कब्जा हो जाता है, तो मैं चाय इसी में पीती हूँ। मुझे ना बड़े कप में चाय पीना अच्छा लगता है। निन्ना हो गए, अन्नू की निन्ना भी हो गए भैया। कहाँ चुप रही, कहाँ चुप रही, अरे फोन गिर जाएगा बाबू फोन। नानी यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको कितना? अब आप सीधे बच्चा बन गए हो यार, ये शैतान अन्नू लगी नहीं रही है मुझे। आन्या ना बड़ी मतलब सीधी सी हो गई है जब से नानी के यहाँ पे आई है, कोई शैतानी नहीं कर रही है और बड़े अच्छे से मतलब बड़ी प्यार से बात कर रही है सच्ची में। पानी पियोगे? लाओ। ओए अकेली बोतल लेके आ गया, लो पानी पियो गरम गरम। मैं और आन्या घूम रहे हैं बाहर, अन्नू और मम्मा दोनों आज बोर हो गए। बोर हो गए आप? एक्चुअली आन्या के पास भी कोई छोटा नहीं है जिसके साथ आन्या खेले, और मेरे पास कोई काम नहीं है, हम दोनों ही लोग कितना फ़ोन चलाऊंगी यार बैठे 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 बैठे। मायके में भी कोई बोर होता है? हाँ होते हैं, काम होता नहीं इसलिए बोर होते हैं। चितली उड़ी क्या मिली रोने लगी, फिर मैं बताती हूँ आपको। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पाई। ये लाइन तो ऐड की है, यहीं तक है, यहीं तक है बस, हट बदमाश। सो एक बार मैं फिर से खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि ना ये वाली कड़ी बनी ना इसलिए मुझे भूख बहुत लग रही है। लो बाबू, बाबू लो खाओ, अच्छा लगता है। आन्या ना जो कड़ी में डाले पड़ी हुए ना, मैंने बोल दिया ना डाले की कड़ी है, कि डाले की कड़ी ये क्या होता है, खाई नहीं रही आन्या। डाले की कड़ी ये क्या होता है? दाड़े पाड़े की कड़ी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। आप लोग देख सकते हो कपड़े कितने सारे हैं, ये सारे के सारे मम्मी नहीं धुले थे, तो मैंने तो एक भी कपड़े नहीं धुले थे, तो बस थोड़े बहुत थे, जैसे कि मेरी साड़ी वगैरह वो मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, वो मैं हाथ से धुल लेती हूँ, तो बस वो साड़ियाँ धुली थी, बाकी मम्मी ने धुल दिए हैं। तो सोच रही हूँ मैं मम्मी कुछ काम कर रही हैं, तो तब तक मैं जल्दी से ये सारे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। और आन्या यहाँ पे आई है ना, टच वुड वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है, अपना मस्त खेल रही है, कहीं टब के ऊपर चढ़ रही है, उसके ना खिलौने रखे हुए थे जब हम लोग खाटू श्याम गए थे ना, तो वहाँ से उसके लिए खिलौने लेके आए थे, तो वो खिलौने ना मैं यहीं पे छोड़ गई थी, तो अभी वो खिलौने उसने बहुत टाइम बाद देखे ना, तो वो उसके लिए ना एकदम नए नए हैं, तो वो उनके साथ ना बहुत अच्छे से खेल रही है, और देखो अभी आ गई है मेरे साथ, चलो मम्मा हम आपकी ना हेल्प करते हैं।
तो सारे कपड़े जो है वो मैंने फोल्ड कर दिए हैं, अब मम्मी इनको रख देंगी उनकी जगह पे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, बस मैं अपने कपड़े और अन्य के कपड़े रख देती हूँ जाके। ये देखो अन्य का किचन है ये। बाबू ये आपका किचन है, क्या बना रहे हो खाने में? हलवा पूरी। हलवा पूरी, ठीक हम भी खाएंगे, हमारे लिए भी ले आओ। अरे यार ये तो कछुआ है। अच्छा, हम गाजर का हलवा खा रहे हो, नानी ने गरम कर दिया। आपको अच्छा लगता है गाजर का हलवा? आपका फेवरेट है, खा लो। अम्मा को भी खिला दो थोड़ा सा। पूरा मुंह गला आ गया। पूरा गला चम्मच देखो कितनी ओहो छोटा मुंह गला मेरे दांत तोड़ देगी। हलवा खिला दे बाबू। गाजर का हलवा। हेलो गाइस, गाजर का हलवा खा रहे हैं। हलवा नहीं होता है, कह रही हलवा खा रहे हैं। बोलो हम गाजर का हलवा खा रहे हैं। हम गाजर का हलवा खा रहे हैं। वेरी नाइस बाबू, उधर शायद देखो एक बार। तो गाइस अभी जो आपने देखा है ना, ये ना हमारी मस्ती चल रही थी। आन्या इतनी ज्यादा फनी है यार, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना कि ये मेरा पूरा फुल टाइम पास है यार सच में। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:55 हो रहे हैं, करेक्ट टाइम बता रही हूँ आप लोगों को मैं। और खाना उसी टाइम खाया था, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया, उसके बाद गाजर का हलवा खा लिया। तो बस ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि ब्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।